वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं रोहिणी आपका स्वागत करती हूँ मेरे वंस अगेन इस व्लॉग में। सो आज का है व्लॉग नया एंड आज का है कोजागिरी पूर्णिमा व्लॉग। आज स्पेशल फेस्टिवल है, नवरात्रि के 5 दिनों के बाद कोजागिरी पूर्णिमा आती है जब देवी माँ जाग के उठती है। एक्चुअली नवरात्रि के बाद जैसे हम लोग बोलते हैं कि नवरात्रि में जो 9 रूप होते हैं देवी के वो लड़ाई के लिए होते हैं। वो महिषासुर जो था उसके साथ जो लड़ाई होती है उसके साथ लड़ के वो थक जाती है और 5 दिन वो सोती हैं, आराम करती है और 5वें दिन कोजागिरी पूर्णिमा को जब वो उठती है तो उनकी फिर से एक बार बहुत अच्छे से पूजा की जाती है। तो एक्चुअली ये मुझे इतना पता है इसलिए मैं इतना शेयर कर रही हूँ। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो जस्ट अभी मैं नहा के वगैरह सब रेडी होके अभी आज नैवेद्य जो हम लोग बोलते हैं और आप बोलते होंगे भोग, तो आज मैं वो बनाने वाली हूँ। बाकी का भी बहुत काम है बट फेस्टिवल्स को अगर हम लोग नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैंने सोचा कि बना लेती हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बना रही हूँ स्पेशल कुछ। आज स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा बट स्टिल मैंने यहाँ पे लगा दिया है कुकर, छोटा सा कुकर लगाया है क्योंकि मैं, सानू और सिद्धांत है और हस्बैंड शाम को आएंगे तो शाम को खाएंगे। तो अभी तो फिलहाल मैंने इसमें दाल चावल लगा दिया है। ये वाला जो छोटा कुकर आप देख रहे हैं इसमें मैंने आलू उबाल के रखे हैं बिकॉज मैं आलू की सब्जी जो पतली ग्रेवी वाली आलू की सब्जी होती है वो वाली बनाने वाली हूँ। इसमें जो है मैंने सूजी की पूरी जो बनाते हैं हम लोग उसका आटा लगा के रखा हुआ है क्योंकि सूजी की पूरी का आटा एक्चुअली लगाने के टाइम में मेरा एक एक्सपोर्ट चल रहा था इसलिए मैं वो शूट नहीं कर पाई। तो बहुत इजी है एक्चुअली। मैंने एक कटोरी सूजी ली और उसमें उसको बाइंडिंग अच्छे से हो, उसकी पूड़ियाँ अच्छे से बेली जाए इसलिए उसमें थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा मैदा ऐड किया, अजवाइन रगड़ के डाला। मेरे पास थोड़े मेथी के पत्ते पड़े थे तो मेथी के पत्ते करके डाले क्योंकि वाइट पूरी में ऐसे ग्रीन कलर जब आता है तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा मैंने मेथी का फ्लेवर डालने के लिए वो लिया, आलू की सब्जी, पूड़ी, दाल चावल और मीठ जामुन। तो मीठे में मैं गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। तो ये है MTR रेडी मिक्स के गुलाब जामुन, तो ये वाले बनाऊँगी मैं। तो अभी बज रहे हैं 12:30, ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक मेरा खाना बन जाएगा, इतना देर नहीं लगेगा। बट बीच में क्या करती हूँ, मैं अपने काम भी करती रहती हूँ, अपने वीडियोज़ के काम, उसको एडिटिंग करते करते एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर एक्सपोर्ट को लगाती हूँ, फिर आके एक काम ऐसे करती हूँ, इसीलिए मुझे टाइम लगता है। वैसे जनरली मैं बनाने जाऊँ ना तो 15-20 मिनट में मेरा खाना पूरा बन के रेडी हो जाता है। तो मैंने अभी जनरली स्किन केयर नहीं किया, मैंने जस्ट टोनर लगाया अपने फेस पे तो टोनर लगाया है तो एंड मॉइस्चराइजर लगाया है, जस्ट उतना ही किया है। घर में अभी ज़रूरत नहीं मेकअप वगैरह करने की। हाँ, पूजा जब मैं करूँगी तब मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी पूजा एंड ऑल, क्योंकि तब मैं थोड़ा सा रेडी वगैरह होके फिर पूजा दिखाऊँगी आपको, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी तो बज रहे हैं 12:30, खाना खाने से पहले जब मैं पूजा करूँगी तब मैं वो आपको दिखाऊँगी। तो स्पेशल देवी को साड़ी एंड ऑल ये सारे जो हम लोग बोलते हैं हम लोग मराठी में ओटी भरते हैं जैसे देवी की, तो वो 9 दिन में नहीं हुआ इसलिए वो आज करने वाली हूँ मैं। तो सिंपल है पूजा, कुछ ऐसे डिफरेंट नहीं है बट उतना ही अगर घर में होता है तो अच्छा लगता है। अभी मैं जस्ट धूप ही लगाने जा रही थी अपने, इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया आपके साथ। एंड आई नो आपको व्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है, आपको अच्छे भी लग रहे हैं एंड ज़रूर इस तरह से सपोर्ट कीजिए बिकॉज आई एम वेरी मच हार्ड वर्क कर रही हूँ मैं इसके ऊपर। दिन ब दिन वीडियोस बनाना सब कुछ करना ये एक्चुअली डिफिकल्ट होता है एंड यू नो गट्स लगते हैं व्लॉग बनाने में, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। और स्पेशल कुछ नहीं, अगर होगा तो पापड़ वगैरह तल लूँगी, ये साबुदाना के पापड़ है वो तल लूँगी मैं, थोड़े से 2-4 पकौड़े बना लूँगी बस। स्पेशल थाली जो लगती है ना, तो वो कल आपने व्लॉग देखा होगा उसमें मैंने महाराष्ट्रियन बनाया था पिठलं, पोळी, खिचड़ी, शेवग्याची भाजी, तळलेला लसूण, ये सारी चीज़ें हमारे महाराष्ट्रियन की बहुत अच्छी एक्चुअली ये रेसिपीज है। तो आपको अगर मराठी में व्लॉग देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग मराठी में देखने हैं तो
जरूर मैं मराठी में ब्लॉग बनाऊंगी आपके लिए, अगर अगर आप हिंदी में भी देखना चाहते हो तो हिंदी में तो मैं बना ही रही हूँ, बट अगर स्पेशली अगर मेरे व्यूअर्स को मराठी में भी अगर ज़रूरत होगी, अगर वो देखना चाहते हैं तो ज़रूर मराठी में भी हम लोग बनाएंगे, ज़रूर ट्राई करूँगी। एंड इवन माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो वेरी, बट पता है मैंने अब तक अपने हस्बैंड को बताया नहीं है कि आई हैव स्टार्टेड ब्लॉगिंग। आई विल टेल हिम, थोड़ा सा एक अच्छा सा रिस्पॉन्स आने लग गया ना तो मैं ज़रूर एक सरप्राइज देके बताऊँगी। एंड इवन ही इज़ ऑल्सो वेरी क्यूरियस एंड डूइंग ऑल दिस थिंग्स, तो ज़रूर उनको भी मैं शामिल करूँगी। बट आप बहुत ज़्यादा, आपको बहुत सारा प्यार देना पड़ेगा ब्लॉग्स पे, तब जाके मैं उनको इंट्रोड्यूस करूँगी अपने ब्लॉग में। एंड इसके लिए मुझे बहुत गट्स लगने वाले, बिकॉज मैं हस्बैंड के सामने अपना वीडियो भी नहीं बनाती, मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है, पता नहीं क्यों। आई एम मेकिंग वीडियोज़ फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर, बट स्टिल मुझे वो मेरे में वीडियोज़ देखते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों ऑकवर्ड फील, मैं ऐसे सामने कोई होता है ना मेरे तो मुझे बहुत ऐसा ऑकवर्ड फील होता है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं, मुझे अभी हो रही है एसिडिटी, मैं थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, खाऊंगी नहीं। हाँ, मैंने नाश्ता भी सुबह से क्या किया है, गुड़ की चाय पी है। शेयर करनी थी कि मैंने जैसे चाय जो है, मैं चाय नॉर्मली शुगर की नहीं पीती हूँ, मैं गुड़ की चाय पीती हूँ। तो जनरली मैं गुड़ डालती थी, जो मैंने आपको दिखाया था गुड़, तो पत्थर वाला टाइप काइंड ऑफ गुड़ आता है ना, तो वो कल मेरे हस्बैंड लेके आए ये गुड़ पाउडर, सॉरी जैगरी पाउडर। तो ये बहुत हेल्दी है, एंड प्लीज़ ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, पापा खरीद के लेके आए हैं वो, कल एक्चुअली मेरे लिए सरप्राइज था। बिकॉज क्या होता है ना, वो गुड़ का अंदाज़ नहीं आता है कि हम लोग कितना फोड़ के डालें, और जब तक वो पिघलता है तब तक बहुत देर लग जाती है। तो ये कैसा है ना, चाय रेडी हो उसमें मिक्स करो एंड पियो, बहुत ही अच्छा है। जैगरी पाउडर है, पता नहीं कौन सी कंपनी का है, मुझे भी नहीं पता, गुड़ है करके लिखा हुआ है कुछ, पता नहीं, अच्छा लिखा हुआ, आइडियल फॉर टी कॉफ़ी मिल्क नो केमिकल्स एंड सल्फर, पता नहीं बट कौन सा। एंड जिंजर, मेन मीन्स इसमें जिंजर है, तो जिंजर का फ्लेवर है इसमें, अच्छा है। एंड कुछ आई थिंक सो ये 100 रुपीज़ का है, जस्ट 100 रुपीज़ का है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। एंड आई थिंक तो उन्होंने होलसेल पे लाया था, औंध से लेके आए थे वो, औंध जो है, औंध बानेर, आपको पुणे की जो एरिया है पता होगा, औंध या बानेर, तो औंध में वो गए थे, तो उस टाइम पे वहाँ से लेके आए थे, बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। एंड आपको बताओ ना, अभी पीछे ना सारे चीज़ें भी दी हुई है उन्होंने, किस तरह से आपको बनाना है, क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड और दो तीन चीज़ें ले, दो चीज़ नॉर्मली दो चीज़ है लेके आए हैं, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। कि अगर मैं गुड़ डालती हूँ तो उसके लिए स्पेशल चाय पाउडर भी उसके लिए मंगवाती हूँ मैं, तो वो आपके साथ मैं ज़रूर नेक्स्ट में शेयर करूँगी। एंड और एक चीज़ है, ऑर्गेनिक है वो चीज़, वो भी आपके वेट लॉस में इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो भी मैं ज़रूर आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी, बहुत अच्छी है, तो वो भी ज़रूर आप देखिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं ये वाला ब्लॉग, मैम हमारी साइकिल चला रही है, देखो घर घर उसकी साइकिल। एंड अभी मेरा सिर्फ एक काम रह गया है क्लीनिंग का, कि दैट इज़ ओनली मॉपिंग, मुझे पूरे घर की मॉपिंग करनी बाकी है, तो पूजा से पहले मैं मॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। आज एक्चुअली आज थोड़ी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो इस साइड में ज़रा मेरा दर्द हो रहा था, तो मैंने आज कुछ बाकी का काम नहीं किया, धीरे धीरे चल रहा है। 12:30 हो गए, आज कोई ऑनलाइन क्लास भी नहीं थी, आज छुट्टी है कोजागिरी पूर्णिमा एंड ईद की, आज ईद भी है, सो हैप्पी ईद टू ऑल माय व्यूअर्स, पारक ऑल्सो आई कैन से। तो चलिए, मेरा ऑलमोस्ट कुकर रेडी है, जो बोलते हैं पोटैटो का भी कुकर रेडी है, तो उसका सिर्फ प्याज एंड टमाटो कट करना है एंड उसकी ग्रेवी बनानी है। तो जस्ट एंड एट द टाइम पूरियाँ तलूँगी, तलने के लिए भी इसमें ऑलरेडी तेल वगैरह रेडी करके रखा हुआ है मैंने, सो जस्ट तलने का काम है। हाँ, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये करना है, तो ये करने से पहले मैं मॉपिंग कर लेती हूँ, बिकॉज मॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी ना यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे घर में तीनों साइड से विंडोज़ हैं, तीनों साइड से ऑलमोस्ट घर पूरा ओपन है, उसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत धूल वगैरह लगता रहता है, तो यस यही है अभी आज का तो काम। थोड़े बहुत बर्तन हैं सुबह के नाश्ते के, वो बाद में क्लीन करूँगी, सब एक साथ ही करूँगी, और पूजा करने के टाइम पे मैं रेडी वगैरह होंगी। तो आप अगर देखते हो, अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं साड़ी पहनूँगी, नहीं हुआ तो ऐसे ही रेडी हो जाऊँगी एंड करूँगी, देखते क्या होता है। तो फटाफट मैं अभी पहन कुछ खा लेती हूँ, भूख लग रही है मुझे, भूख नहीं एक्चुअली मैं कभी कुछ खाती नहीं हूँ, तो एसिडिटी होने लगती है मुझे, थोड़ा सा पेट में अजीब सा से जो हम लोग बोलते हैं ना एसिडिटी, वो काइंड ऑफ होने लगती है। तो मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, देन आपसे बात करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ आगे की और क्या चीज़ें होने वाली है। तो चलिए यहीं मैं ब्लॉग स्टॉप करती हूँ, आगे का देखते हैं क्या क्या करना है।
चीज़ों की होलसेल शॉप है, सब चीज़ों की, तुलसीबाग के पास, तुलसीबाग मंडी उसके पास। तो एक्चुअली ना कैसा है ना, वहाँ पर सब चीज़ों की, कपड़ों से लेके सब चीज़ों की होलसेल शॉप है। तो केक बनाने का, चॉकलेट बनाने का, एसेंस मेकिंग, सब कुछ चीज़ें वहाँ पे होलसेल में मिलती हैं। तो मैंने वहाँ से ना एसेंस लेके आई थी लास्ट टाइम, रोज़, वनीला एंड पाइनएप्पल। तो उसमें से रोज़ वाला मैंने आज गुलाब जामुन में डाला, इतना अच्छा रोज़ का फ्लेवर आ रहा है ना, अमेजिंग। आपको क्या करना है, जो चाशनी बनाते ना हम लोग पत्नी वाली चाशनी, उसको सिर्फ, उसमें सिर्फ दो ड्रॉप आपको रोज़ एसेंस के डालने, एंड उसमें रोज़ एसेंस ऐड हो जाता है। फिर जब हम लोग उसमें गुलाब जामुन तले हुए डालते हैं ना, तो वो जब सोखता है तो वो उसमें ऐड हो जाता है, और इतना सुपर्ब लगता है ना, अमेजिंग लगता है। तो चलिए अभी ख़त्म करती हूँ फाइनली, तो अभी एंड अप करूँगी यहाँ पे, एंड पार्ट टू स्टार्ट करूँगी इसके बाद। एंड पार्ट टू में भी बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज आई होप अगर शाम को सोसाइटी में वो दूध वाला कार्यक्रम अगर किया, तो वहाँ के दो तीन पिक्स मैं आपको, दो तीन वीडियोज़ आपको दिखा दूँगी, और अगर नहीं भी किया तो घर में बनाऊँगी एंड आपको दिखाऊँगी मसाला दूध लास्ट रात का। चलिए